गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो बच्चे ध्यान देना है, जब हम किसी सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। इसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी जो सॉल्युबिलिटी होती है, मीन्स हम किसी भी सॉल्यूट को जब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम उस सॉल्यूट की अमाउंट को उस गिवन सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसोल्व कर सकते हैं। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स हम बात करेंगे आज हम फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, मीन्स सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो बेटा दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्यूट बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाता है, और अगर आप वहाँ पे सॉल्वेंट को चेंज कर देते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसकी जो डिसोल्विंग अमाउंट है सॉल्यूट की, वो चेंज हो जाती है। मीन्स दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। मीन्स आपका गिवन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका गिवन सॉल्यूट उसके अंदर डिसोल्व हो जा रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, लाइक डिसोल्व लाइक का कंसेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका गिवन सॉल्वेंट पोलर है और आपका गिवन सॉल्यूट पोलर है, दोनों पोलर पोलर होने के कारण बेटा ये एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे। ओके, ऑन द सेम वे अगर आपका गिवन सॉल्वेंट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी आपका नॉन पोलर है, तो दोनों बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे। मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर अगर एक जैसा है, तो बेटा वहाँ पे बहुत अच्छे से डिसोल्यूशन होगा, सॉल्युबल होगा। और ऑन द सेम वे अगर हम बात करते हैं कि आपका गिवन सॉल्वेंट पोलर है और आपका जो सॉल्यूट है दैट इज़ नॉन पोलर, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट डिसोल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसी बात को पढ़ रहे हैं, लाइक डिसोल्व लाइक मीन्स बोथ ऑफ द कॉम्पोनेंट हैविंग द सेम फेज, मीन्स बोथ ऑफ मस्ट हैविंग द आइदर पोलर एंड आइदर नॉन पोलर। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देख सकते हो बेटा, स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोर लाइकली द डिसोल्व विल बी डिसोल्यूशन। मीन्स जब भी आप डिसोल्यूशन को करने जा रहे हो, अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में एक अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाती है, तो गिवन सॉल्वेंट बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएगा, गिवन सॉल्यूट बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएगा। अगर वहाँ पे एक अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट नहीं हो रही, तो वहाँ पे डिसोल्यूशन का करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे गैसीय सॉल्यूशन की। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो कि गैसीय सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है, तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होगा कि आपका सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब रहेगा कि आपका सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए। ऑन द सेम वे अगर आप गैसीय सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो इट मींस योर सॉल्वेंट मस्ट बी गैस। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि गैसीय सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे ये वाला। तो गैसीय सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो दिस टर्म इज एक्सप्लेन बाय द हेनरी लॉ। तो इसी को यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय द हेनरी लॉ। तो बच्चे ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मोर इज द अप्लाइड प्रेशर, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे इसको भी बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, वेयर एस जी इज इक्वल टू के पी जी, वेयर एस जी इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। मीन्स आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी आपके गिवन सॉल्वेंट के अंदर होती जाएगी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे के एक कांस्टेंट लेके आए, एस जी इज इक्वल टू के पी। ओके, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो बेटा कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्लियर। और यहाँ पे जो के है, के इज़ अ हेनरी कांस्टेंट।
कि क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ बच्चे बहुत अच्छे से आपने ध्यान और भी रखना है कि अगर किसी भी गैस के लिए के की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाती है बेटा, किसी भी गैस के लिए के की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाती है, उस गैस की सोल्युबिलिटी उस गिवन सॉल्वेंट के अंदर कम रहेगी। मीन्स आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो, मोर इज द वैल्यू ऑफ द हेनरी कॉन्स्टेंट, लेसर विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी और एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए के की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसी कारण दीज गैसेस आर द इनसोल्यूबल इन अ गिवन सॉल्वेंट। क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, गैसेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चे बहुत अच्छे से आपने देखो, बहुत क्लियरली आपने घर पे एक नॉर्मली एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कि जब आप गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हो, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं, मीन्स कोल्ड ड्रिंक जब हम ड्रिंक करते हैं, तो हमारे को वो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड बहुत अच्छी लगती है। अगर वही कोल्ड ड्रिंक अगर आपकी बेटा जी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है, या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म है, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इट मीन्स यहाँ से जो है, यहाँ से जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे को ऑब्जर्व हुआ, किसी भी गैस के अंदर, किसी भी गिवन गैस के अंदर जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं, उस गैस के अंदर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी डिक्रीज। ओके, बिकॉज जब आपकी कोल्ड ड्रिंक कोल्ड हो जाती है, मीन्स आप उसको कूल कर लेते हो, तो बेटा उसके अंदर जो डिसोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस सॉल्वेंट के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके कारण आपको उस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बट जैसे ही उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, वो गैस उस गिवन सॉल्वेंट में से बाहर चली जाती है, जिससे उसकी टेस्ट बहुत ही टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इस कारण हमारे को बेटा कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं। ओके, तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू।